हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सुबह मैंने साई बाबा की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है जाके मेरे दूसरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा, मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे, वहाँ पे मैंने पोस्ट करी थी। एंड ओम साई राम ज़रूर लिख देना। सो आज ये जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज रात जिस भी दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उसकी रात, उस दिन के रात को आपके पर्सन क्या सोचने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। शुगर कोट मैं नहीं करूँगी, जो मुझे जैसा दिख रहा है मैं बताऊँगी। तो इसको एक जनरल गाइडेंस की तरह लीजिए एंड ब्रॉड माइंडसेट रखिए, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ आपकी, बहुत सारे लोगों की मास रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है? तो जब आप रीडिंग देख रहे होते हो, मन को शांत करिए सबसे पहले तो, और फोकस अपने पर्सन पे लाइए एंड देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन को की फीलिंग्स क्या होंगी, और अगर वो एक्शन लेंगे तो किस इंटेंशन से लेंगे, और आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स को शफल कर लिया एंड लेआउट कर लिया है। तो सबसे पहला कार्ड रहेगा ये जो है स्ट्रेंथ कार्ड, द एम्प्रेस। मैं दो कार्ड्स एक साथ रखूँगी, मैं दोनों को मतलब एक दूसरे के क्लैरिफायर के तौर पे ले रही हूँ मैं, ठीक है? थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। साइंस बता देती हूँ सबसे पहले मैं, यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, लियो है, टॉरस है, जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, ठीक है? सबसे पहले तो देखिए, आप इस पर्सन के नज़र से अगर आपको देखा जाए ना, तो आप सबसे ब्यूटीफुल हो। आपके लिए इस पर्सन के अंदर हमेशा से ही बहुत प्यार रहा है, बहुत अट्रैक्शन रही है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। हो सकता आप इनसे एज में बड़े हो, या फिर आपने हाल फिलहाल ही कोई फ़ोटो खींच के किसी सेलिब्रेशन में गए थे आप, और किसी पार्टी में या किसी इवेंट में, और आपने हाल फिलहाल में या तो कोई फ़ोटो पोस्ट करी है जिसको देखकर इस पर्सन का दिल फिर से आप पे आ गया है, ठीक है? या फिर आपके कोई बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर के ड्रेस में, या ऑफ वाइट कलर के ड्रेस में, ग्रे कलर के ड्रेस में कोई फ़ोटो है जो आपने इनको दी थी, वो इस पर्सन को वो फ़ोटो पर्टिकुलरली बहुत पसंद है, और आज ये पर्सन उस फ़ोटो को बहुत ज़्यादा निहारेंगे, और कहीं ना कहीं एक पैशन, अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ जाएगा इस इंसान का, ओके? मुझे लगता है ये पर्सन आज रात को बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन फील होने वाला है आपको लेकर। काफ़ी फैंटेसाइज कर सकते हैं ये पर्सन आज रात को। आपने कोई क्रॉप टॉप वाली फ़ोटो दी है क्या इस पर्सन को? स्लीवलेस है, क्रॉप टॉप है, वाइट या ऑफ वाइट कलर की कोई ड्रेस है, उसको ये पर्सन पर्टिकुलरली देखकर निहारने वाले। और मुझे लगता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं जब वो आपको देखेंगे ना, आपकी फ़ोटो को देखेंगे, उन्हें लगेगा कि यार मैं इसके लायक भी हूँ, ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये कितनी समझदार है, ये कितनी इंटेलिजेंट है, या आपके अंदर के सारे अच्छे जो गुण हैं ना कहीं इस पर्सन को आज बहुत इंटेंसली फील होंगे, और ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि क्या वो सच में आपके लायक है भी, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऐसा शो कर रहे हो, मैं मूव ऑन कर गई हूँ, मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, या हो भी सकता है कि आप सच में ऐसा कर रहे हो। तो आप ना इस पर्सन की नज़र से अगर आपको देखा जाए ना, दे सी यू एज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन जो बहुत ब्यूटीफुल भी है, इंडिपेंडेंट है, अबंडेंट है, उनकी लकी चार्म है, और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को आपसे कनेक्ट तो करना है लेकिन हिचकिचाहट, डर, करेज ही नहीं फाइंड कर पाएंगे ये पर्सन कि मैं कैसे रीच आउट करूँ, मुझे तो डर लग रहा है इस पर्सन का सामना करने से भी। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक इन्होंने डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको बहुत ही बुरी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ओके? और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन
के वजह से आप लिटरली डिप्रेस्ड हो गए, आपका लिटरली दिल तोड़ दिया इस इंसान ने अपने बिहेवियर से। और हो सकता है इस पर्सन ने इन किसी के साथ कोई फ़ोटो डाली थी, किसी लड़की के साथ या किसी लड़के, जो भी आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी के साथ कोई ऐसी फ़ोटो डाली थी एन्जॉय करते हुए, या फिर मे बी अगर थर्ड पार्टी नहीं भी, अगर ये अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो मे बी इन्होंने ऐसा शो किया है ना आपको कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं इन्जॉय कर रही हूँ, या मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और उस चीज़ को देखकर आपको भी काफ़ी बुरा महसूस कराया है इस इंसान ने। या तो ये कोई फ़ोटो है इनकी जो हाल फिलहाल में उन्होंने डाली और आपको वो देख के बहुत दर्द हुआ या बहुत दुख हुआ, आपको लगा इस इंसान को तो कोई पड़ी नहीं है मेरी, ये तो मस्त मज़े कर रहा है अपने लाइफ में, और उससे आप हर्ट हुए। या फिर इस पर्सन ने कोई ऐसी थर्ड पार्टी में आपको डाला जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया, मतलब एकदम गंदी तरह से हर्ट करा है इस इंसान ने आपको, एंड इस पर्सन को वो चीज़ पता है, ओके okay? या फिर वाइस वर्सा एनर्जी है, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी है या उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे देख देख कर इस पर्सन को जलन हो रही है, या उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ एन्जॉय कर रहे हो, आपकी लाइफ में तो आप मूव ऑन हो रहे हो, कुछ ऐसा है। डोंट रियली नो ये आपकी है या उनकी एनर्जी है। एंड लास्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन के जो आखिरी डोर भी थी अपने साथ वो कट ऑफ कर दिए। अब उन्हें तो आपके सामने या तो भीख मांगनी पड़ेगी या तो आपके पीछे 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 आपको चेज करना पड़ेगा, तब जाके आप इनको पा सक मतलब वो आपको पा सकते हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन के अंदर, ऐसी छवि बन गई है आपकी कि वो तो अब मुझे चारा भी नहीं डालने वाली है। देखो यार वो कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसे इतना टेंशन मिल रहा है, वाई वुड शी नीड मी। ठीक है, ऐसी एनर्जी। थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं। नाइट ऑफ स्वर्ड्स है तो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एट ऑफ स्वर्ड्स है अगेन द जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, एंड टू ऑफ कप्स है। ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन ना किसी किसी के लिए ये पर्सन अपने आप को पहले तो बहुत रोकने की कोशिश करेंगे कि मैं कैसे फेस करूँ, मैं कैसे उसको बात करूँ, मैं वो तो कितनी ब्यूटीफुल है या वो मुझसे कितनी बेहतर है, लेकिन एंड में क्या होगा कि ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एंड ये पर्सन किसी झगड़े के ज़रिए या कुछ ऐसा बोलने के ज़रिए या अपना गुस्सा उतारने के ज़रिए आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनको नहीं पता है कि उन्हें कैसे आपके लाइफ में आना है। सो दे माइट ब्रिंग अप अ फाइट, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। हो सकता है ये पर्सन आपसे झगड़ा करे, गुस्सा करे, कुछ ऐसा बोल दे कि तुम तो खुद को बहुत ज़्यादा समझती हो, तुम्हें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तुमने तो मूव ऑन कर लिया, कुछ ऐसा। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़ अबाउट, बट ये पर्सन कुछ झगड़ा करने के लिए के बहाने आ सकते हैं आपके लाइफ में। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, इस इंसान का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना वो भी बढ़ रहा है, और स्पेशली रात के टाइम जब ये पर्सन अकेले होते हैं, शांत होते हैं, इनका गुस्सा तो चरम पे होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस इंसान को, और कई कई तरह के सवाल अपने आप से ये पूछने लगते हैं और फिर गुस्सा के सो जाते हैं। ओके, मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को पहले से ही आप पे ट्रस्ट नहीं था, कभी भी इस इंसान ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया या फिर आपने इन पे ट्रस्ट नहीं किया। ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों में किसी ना किसी तरफ से रहे हैं या दोनों तरफ से रहे हैं, एंड आज के डेट तक ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें अभी भी लगता है कि आप कुछ ऐसा करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, मे बी आप वैसा करते भी नहीं हो, बट उन्हें लगता है, मैं उनके पर्सपेक्टिव आपको बता रही हूँ, ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट यू, और उन्हें लगता है कि आप पे ट्रस्ट करना इज़ बेवकूफ़ी है। ओके, बेसिकली क्या हो गया है पता है क्या, या तो हो सकता है आप उनसे सच में कई मायनों में बेहतर हो, तो उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये बंदी मेरे से या ये बंदा मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये इसको कोई और पसंद आ जाएगा। स्टिल ये पर्सन आपको बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, स्टिल ये आपको हर्ट करते हैं, छोड़ जाते हैं, एंड फिर स्ट्रेस लेने लगते हैं कि कहीं वो और किसी के पास तो नहीं चली गई। तो ये साइकिल है जो इनको ब्रेक करना है, बट वो नहीं कर पा रहे अभी तक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है ये आपको पाने के लिए या आपके दिल में जगह बनाने के लिए, क्योंकि बोथ लव ईच अदर, ये बात तो क्लियर है यहाँ पे, आप दोनों प्यार करते हो, बट प्रॉब्लम ये है ना कि इस इंसान को लगता है कि अब चाहे इसको पीछे मुझे भीख मांगनी पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, इसके सामने मुझे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो भी चलेगा, बट मुझे ये चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। तो उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि भाई अभी जो करना पड़े मैं करूँगी या करूँगा, बट मुझे ये चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है।
तो ये आपको चेज़ भी कर सकते हैं, लिटरली फिजिकली आपके सामने आ जाना और आपके पीछे पीछे करना कर सकते हैं। ओके लेट्स सी मोर। सिक्स ऑफ कप्स है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टेन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैगिटेरियस एंड यहाँ पे हैंग्ड मैन है पाइसिस। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट है। एंड मुझे जो यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है ना वो ये है कि ये पर्सन पहले तो झगड़ा करेंगे या गुस्सा करते हुए आपके लाइफ में एंटर करेंगे, और जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर इतना प्यारा जेस्टर होगा इस पर्सन का, एक ट्रांजिशन मुझे होते हुए दिख रहा है गुस्से से प्यार का। ठीक है, पहले गुस्सा करके एंट्री ले लेंगे आपके लाइफ में और फिर प्यार जताएंगे, सॉरी बोलेंगे, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं या कोई प्यारी मेमोरी आपको याद दिला सकते हैं। ठीक है, सो इट्स देयर वे, वो उनका तरीका है आपके लाइफ में आने का और री एंटर करने का। ठीक है, बहुत नॉस्टैल्जिक होते हुए मुझे दिख रहा है, पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने पल याद आएंगे, कुछ मेमोरीज़ याद आएंगे इस पर्सन को। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है, देखिए आप दोनों के बीच में ना एक ही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो मुझे नहीं पता कि आपके साइड से है या उनके साइड से है या आप दोनों के साइड से, ट्रस्ट ना कर पाना बहुत ही बड़ा आप दोनों के बीच का ये प्रॉब्लम बन गया है। जैसे कहते हैं ना कि गले में हड्डी की तरह अटक जाना, इट्स लिटरली गले में हड्डी अटक गई है जैसे आपके, कि ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ओके या फिर आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और जब तक ये ट्रस्ट इशू रहेगा ना आप दोनों के बीच में, ये अनहेल्दी पैटर्न चलता रहेगा। और अगर ये पर्सन है जो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो अभी भी वो नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और वो दिन ब दिन उन्हीं के ऊपर वो चीज़ बोझ बनते जा रही है। दे नीड टू हील देमसेल्व्स, वरना फिर कैसे चलेगा। एंड द लास्ट थिंग इज़, मुझे लगता है ये चीज़ आप पे भी बहुत बोझ बनती होगी, क्योंकि जब हम कुछ करते नहीं और कोई हम पे उस चीज़ का इल्ज़ाम डालता है ना, तो भाई उसे कैसे डील किया जाए समझ में ही नहीं आता। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि ये पर्सन लिटरली मूव ऑन नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में। इन्होंने काफ़ी कोशिशें करी है आगे बढ़ने की, बट इट्स नॉट हैपनिंग, वो हो ही नहीं रहा है। चलिए अभी एडवाइस देखते हैं। चलिए तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स को लेआउट कर लिया है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपके लिए एडवाइस क्या है। फर्स्ट इज़ ऑनर योर फीलिंग्स। तो देखिए कहीं ना कहीं आप अपने फीलिंग्स की को ऑनर नहीं कर रहे हो, इज्जत नहीं कर रहे हो अपने फीलिंग्स की, तो आप बाहर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आपकी फीलिंग्स को ऑनर करेगा। पहले आप तो अपने फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको समझो, तब जाके सामने से भी आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला एडवाइस यही है, अपने फीलिंग्स को समझो, एक्सेप्ट करो और उसकी इज्जत करो। ठीक है, आप अपने फीलिंग्स से भाग नहीं सकते वैसे ही। ठीक है, द नेक्स्ट एडवाइस वुड बी लाइटन अप। अगर आप बहुत सैड महसूस कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से, या फिर आपको एक राह नहीं मिल रही है, एक होता है ना कि एक आप बहुत अंधेरे में अगर चले गए हो ना, आप ही उससे अपने आप बाहर निकल सकते हो। राइट, अपने आप को समझाइए, अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करिए, कॉन्फिडेंट देने की कोशिश करिए। और आखिरी जो कार्ड आपके लिए एडवाइस है वो है कीप योर हार्ट ओपन। तो देखिए अगर आप इस इंसान का प्यार चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको प्यार दे, आपकी केयर करे, पहले आपको अपने दिल को खोलना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, या तो आपका विश्वास ही उठ गया है प्यार से या इस इंसान से, या तो आपने अपने आप को ऐसे समझा ही दिया है, फीडिंग कर दी अपने ब्रेन की कि मुझे तो प्यार चाहिए ही नहीं, तो कैसे फिर ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग लव, प्यार को आने दो, दरवाज़ा खोलो अपने दिल का। ठीक है, यही आपके लिए रीडिंग है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको आपके दिल को छू गई है, आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। सुबह का वीडियो साईं बाबा मैसेजेस वाला वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी इस वीडियो के, या फिर आप मिस्टेक हिंदी टैरो पे जाइए चैनल पे, और उस पर पहला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड लव यू।